Hey guys, this is Vijay and welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to Vijay Mishra blog. तो भाई दीपक आज कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा. हाँ तो ये एलिफेंटा जो चर्च गेट के पास है तो अभी हम लोग मैंने फोटोज देखे अभी गया नहीं हूँ जा रहा हूँ सो बी विद अस हमारे साथ रहिए और देखिए क्या क्या है. अभी हम लोग कांदेवली में है अभी यहाँ से चर्च गेट जाए थे फिर वहाँ पे चर्च गेट पहुँच के अभी आगे बात करते हैं क्या है. अभी हम जस्ट चर्च गेट पहुँचे अभी हम यहाँ से गेट वे ऑफ इंडिया जाते हैं और वहाँ से कौन सा वे है क्या क्या लेना पड़ेगा देखते हैं. हाँ तो उसका मैं भी बताऊँगा कैसे क्या जाना है और वहाँ से हम लोग को फेरी मिलेगा आपको विजय मिश्रा दे देंगे. हाँ तो जो भी है हम वहाँ पे पहुँचते हैं गेट वे ऑफ इंडिया वहाँ से फेरी लेते हैं और एलिफेंटा पहुँचते हैं फिर आगे का देखते हैं. सो अभी हमने चर्च गेट से ये टैक्सी लिया है आधा घंटा लेट आया है. 16 इंच ना आधा घंटा से हमें वेट कर रहा था तो अभी हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और गेटवे ऑफ इंडिया से हम फेरी लेंगे कितना लीटर का जो एलिफेंटा तक जाता है तो अभी वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचते हैं फिर उसके बाद आगे का देखते हैं. तो अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं और यहां से हमने एलिफेंटा के लिए टिकट लिया है जो हमें 205 रुपया पड़ रहा है और ऊपर फेरी के ऊपर डेक में बैठने का वो लोग 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं. तो अभी यहां से करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा एलिफेंटा पहुंचने को तो अभी हम पहुँचते आगे एलिफेंटा और आगे जाके आपसे बात करते हैं. अभी हमने यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लिया जिसका कॉस्ट हमें 200 रुपये पड़ा है और 205 पड़ा है. तो अभी यहाँ से करीब आधा से पौना घंटा जाएगा एलिफेंटा पहुँचने का पड़ा है ऊपर. हाँ ऊपर बैठने के लिए 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है तो अगर आप आना चाहते हो और ऊपर बैठ के इंजॉय करना चाहते हो तो आप जाने के लिए फ्री में. हाँ तो अगर आपको ऊपर बैठ के इंजॉय करना है तो आप 10 रुपीज़ उनको एक्स्ट्रा दे सकते हो एंड ऊपर बैठ के मज़ा ले सकते हो. यहाँ का जो व्यू है मैं दिखाता हूँ. ज्योति तो यहाँ पे दीपक भी है और जयंत है मेरे साथ. चाय पी लो. तो गाइस वो सामने आपको जो दिख रहा है वो मुंबई हाई है जहाँ पे रिफाइनरी ऑयल्स का वो प्रोडक्शन होता है. तो वो सामने इसके ठीक सामने मुंबई हाई है और ये साइड इंडियन नेवी का भी एक ये है डॉक है बेस है कोलाबा. और यहाँ पे ये अरेबियन सी का लाइट हाउस है. सो हम यहाँ पे एलिफेंटा केव्स पहुँच गए हैं जो यहाँ का जेटी है. तो
गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 1.5 घंटा लगा है यहाँ पे, बहुत टाइम लगेगा, 2 घंटा लगा है, 1.5 से 2 घंटा लगा है। और जो इसका कॉस्ट था आई थिंक 205 था। तो अभी इसके आगे हम जाएंगे केव्स के पास। तो दीपक कैसा लगा इधर का अपना जर्नी? फिलहाल तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी लॉन्ग जर्नी था एक्चुअली, काफ़ी दूर था, लेकिन अच्छा भी लगा। समुद्र के बीच से जाते हुए मूवमेंट होगा, काफ़ी अच्छी व्यू थी वहाँ पे, काफ़ी यू नो वो आर्मी के क्या थे वो नेवी के बोट्स वगैरह के बोट्स थे, बहुत कुछ देखने को मिला। एंड फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट पे काफ़ी तो यू नो एक्साइटेड लग रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी आगे हम जाते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। ये यहाँ पे ट्रेन था जो केव्स के पास छोड़ता है, यहाँ से 1 किलोमीटर है, वो लोग बोल रहे थे 10 रुपीज़ उसका रिटर्न टिकट था। तो हम तो चल के जा रहे और भी एक्सप्लोर करने के लिए, ये इनकी पटरी है, चल के जा रहे और भी एक्सप्लोर करने के लिए। और ये भाई लोग इन्जॉय करते हैं, चिल करते हैं, भैया नेक्स्ट ट्रेन कभी आएगी तो गांधी वाली तुम इधर लेटे रहो, आनी होगी तब आ जाएगी। तो इसका जो था टिकट था 5 रुपीज़, इसका टैक्स कलेक्शन टिकट था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो आई थिंक वो कंपलसरी है। एंड जो चिल्ड्रंस है उनके लिए 3 रुपीज़ टिकट है, और स्कूल स्टूडेंट के लिए 1 रुपीज़ टिकट है। और यहाँ पे शॉप्स है, यहाँ पे एंटिक सामानों के ये शॉप्स है थोड़े। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये सब भी कभी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग शॉप्स है। और इसका जो टिकट का यहाँ पे था टैक्स कलेक्शन का 5 रुपीज़ था, 15 रुपीज़ हमें टोटल 3 उसका लगा है। तो ये यहाँ पे ये एंटिक चीज़ों के शॉप है, अगर आप ये आ रहे हो यहाँ पे, अगर आपको ऐसा एंटिक चीज़ों में अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे भगवान की मूर्ति है, यहाँ पे सब जितने भगवान हैं सबके मूर्तियाँ हैं, और जो भी आपको मूर्ति लेना है एंटिक चीज़ें तो यहाँ पे आके आप ले सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मंकीज है, बहुत सारे मंकीज है। एक छोटा सा मंकी है, तो ये जो दुकानें हैं ये आजू बाजू आप देख रहे हो, ये छोटा सा रास्ता जाता है ऊपर केव्स की तरफ। तो ये जो दुकानें हैं ये यहाँ पे आप अलग अलग सामान ले सकते हो, और बाजू बाजू में इनके रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ पे आप खाना भी खा सकते हो, कुछ भी आपको अलग अलग टाइप के आइटम्स मिलेंगे वहाँ पे। तो अभी हम ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर पहुँच के आगे बात करते हैं। तो यहाँ से जो इसका एंट्री था एलिफेंटा केव्स का वो 40 रुपीज़ पर पर्सन था, इंडियन और हाँ फॉरेन के लिए 600 था फॉरेनर्स के लिए। तो अभी हमने टिकट लिया है 3 टिकट यहाँ पे 120 का, अभी आगे केव्स में जाते हैं और आगे देखते हैं। सो हेलो गाइस, हम एलिफेंटा आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल है कि यहाँ पे एलिफेंट नहीं है, तो एलिफेंटा
एलिफेंट के नाम पे नहीं बना है, एक आइलैंड है, ठीक है। तो हम लोग ने काफ़ी सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पे फाइनल पहुँच गए हैं। कुछ क्षणों के लिए तो लगा था कि हम जीवदानी आ गए, लेकिन फाइनली हम जब ऊपर पहुँचे तो पता चला, और कुछ बंदरों को देखे तो पता चला कि शायद हम एलिफेंटा ही आए हैं। वो बंदर हम नहीं हैं, वो बंदर रियल वाले। यहाँ पे काफ़ी बंदर हैं, काफ़ी क्यूट बंदर हैं, लेकिन उनसे सावधान भी रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक भाई ने एक बंदे को पूछा कि एलिफेंट किधर है, वो बोलता है रानी बाग। हाँ, तो अगर आपको एलिफेंट देखना है तो आप रानी बाग जा सकते हो, और अच्छे व्यू देखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे विजिट कर सकते हो। बहुत ही प्यारी जगह है, लेकिन आपके जेब में कुछ रकम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे का नहीं लग रही है, एक्चुअली पैसे लग रहे हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं आ रहे हैं, और उनको यहाँ पे बहुत से फॉरेनर्स विजिट करते हैं, और उनके लिए जो यहाँ का कॉस्ट है, एंट्री कॉस्ट, वो 600 रुपीज़ है। हाँ, तो उन लोग के लिए तो कुछ नहीं हुआ, $8-9 हुआ US वालों के लिए। यस, सो लेट्स गो, देखते हैं और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या है, तो अभी अंदर जाके देखते हैं। तो यार यहाँ पे हम भी अंदर आए, और यहाँ पे कुछ तो है पीछे, किसकी तो मूर्ति है पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, तो ये देख के बताओ आप लोग कौन से ये मूर्ति है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी हम आगे जाते हैं ये साइड। यहाँ पे आपको गाइडर भी मिल सकते हैं, जो आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे कि क्या है, कहाँ पे है, गाइड का चार्जेस अलग है, उसके चार्जेस भी अलग है, गाइड के चार्जेस अलग है। Exactly. तो ये साइड है केव्स, तो यहाँ पे ये साइड जाते हैं, तो ये साइड जाके देखते हैं आगे भी क्या है और क्या नहीं है यहाँ पे। पीछे देखो बहुत से फॉरेनर्स आए हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं, वो भी मुंबई विजिट करता है, उनके लिए मस्ट विजिट प्लेस है। तो वहाँ यहाँ पे तो भाई सब लोग आते ही है। यहाँ पे लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लाइट बहुत कम है यहाँ पे, फिर भी हम ट्राई करेंगे अच्छा आपको क्वालिटी। यहाँ पे शिवलिंग है भगवान शिव का, तो मैं दिखाता हूँ। तो ये भगवान शिव का ये शिवलिंग है, तो यहाँ पे बहुत अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, तो अभी हम ये साइड आगे जाते हैं, ये साइड जाके आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हम यहाँ पे केव्स में अंदर आए, ये साइड आए, तो अभी ये साइड अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या है। बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। अच्छा, ओके, तो ये एक साइड से दूसरे साइड ही जाते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस ये वो साइड से निकले यहाँ पे आगे। भाई लोग पूरा अंदर का केव्स वहाँ पे हो गया, अभी हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अंगूर खा रहे। तो अभी ये साइड भी है, बहुत कुछ आगे वो साइड है, तो अभी उसके बाद वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे। मेरा कैमरा का भी ये डाउन हो गया है, तो उसको भी पहले बैटरी फुल कर रहा, उसके बाद आगे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे एक और केव्स मिला है हमें, मिला नहीं है, यह एक और केव्स है, यहाँ पे एक और केव्स है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं ये देखने के लिए, ये पीछे यहाँ से, तो ये साइड भी है, ये साइड है, फिर अंदर है, अरे ये अंदर भी है ये। Thank you.
ये अलग है। सो गाइस यहाँ पे जो केव्स का था वो हो गया है, अभी हम यहाँ से उतर के नीचे साइड जा रहे हैं। मतलब तीन चार केव्स हमने देखा पीछे, ये यहाँ से अभी नीचे उतर के जा रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये साइड बाकी वही है, अब उसका राजनीतिक लाइफ तो खत्म ही हो गया है, और बेटा उसका चाह के भी उससे ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों बेटा में ही आपस में अभी जंग छिड़ा हुआ है, ऊपर से मुकदमा लड़ रहा है, पत्नी को छोड़ दिए हुआ है। तो यार पूरा हो गया हम लोग का कैंप, घूम के हो गया ज्यादा कुछ। दीपक मिश्रा बहुत टाइट फील कर रहे हैं अभी, बहुत स्ट्रेस में है वो डिप्रेस्ड हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारे मंकीज हैं, यहाँ पे हमने मंकीज को पानी भी पिलाया, तो बहुत प्यासा था, एक मंकी हमारे पास आ गया तो हमने अपना पानी दे दिया उसको। तो यार अभी यहाँ पे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ खास है नहीं वैसे, तो हम यहाँ चल के ऊपर आए, बहुत ऊपर आ गए अभी। और यहाँ तो नहीं है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे 500 मीटर्स पे बताया कैनन गन है, तोप है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे देख रहे, हालत टाइट हो गई है ऊपर आते आते, तो अभी आगे जाके देखते हैं ऊपर आगे क्या है। किलोमीटर यानी कितना पागल है यार। और ये साइड का जो व्यू है, यहाँ पे व्यू देख लो भाई, बहुत सही व्यू है। यहाँ पे बहुत से मंकीज है, कुछ वैसे वो करते नहीं है, जंगली काइंड ऑफ नहीं है वो लोग, तो ऐसा कुछ करते नहीं है। आप लोग के पास आएंगे लेकिन कुछ ऐसा करेंगे नहीं। तो साथ में ले भाई, तो पहले साथ में तो वहाँ पे ऊपर पहुँच कर तो यहाँ पे आगे और जा रहे हैं। ये रास्ता जा रहा है ऊपर साइड और पहाड़ है, और ये साइड भी पहाड़ है। तो आगे वहाँ पे आगे पहुँचते हैं तोप के पास, फिर वहाँ पे बात करते हैं आगे का। ऊपर थोड़ा सा आए हैं तो ये व्यू मिला है हमें, पीछे देखो पूरा हम लोग का जो जहाँ से हम ये एलिफेंटा का जट्टी है वो सामने दिख रहा है, और ये ऊपर साइड यहाँ पे कैनन गन है तोप, तो और ऊपर थोड़ा सा चढ़ना है हमें जा रहे, और पीछे का व्यू देखो भाई, पीछे का व्यू देखो क्या सही है। तो यार ये तोप के पास पहुँच गए, ये हम पे यहाँ पे एक ही तोप था, बहुत बड़ा सा है, तो पता नहीं कौन से शायद 16th सेंचुरी का ये पूरा केव है। तो ये साइड नीचे भी है, तो नीचे जाके देख रहे हैं तो क्या है, यहाँ से नीचे जाके देख रहे हैं, नीचे जाने का भी रास्ता है। यहाँ पे ये तोप का पॉइंट है, यहाँ से पता नहीं कुछ फायर होता रहेगा वो टाइम में, तो पुराना है बहुत पुराना है। और ये साइड गुफा है, इसको तोप खाना बोलते हैं, पहले बोलते थे ये पहले तोप खाना था पहले का, आई थिंक ये 16th सेंचुरी का है। और गाइस यहाँ पे
लवर्स पॉइंट भी हो सकता है। तो ये जो ठरकी लोग थे उनका अपना एक अलग रिव्यू था। और ये आदम जमाने का ओयो रूम, तो ये तोप खाना है, खड़ा होना इज्जत से हो सकता है। ओके ये तोप खाना है। वो क्या कर रहा है वो बंदूक? यहाँ पे कुछ है क्या खाई भाई? बोला घर बैठा सिर्फ फट रही थी। अरे नहीं कुछ नहीं है, बहुत लाइट चालू करते सब भी बहुत खाई खतरनाक है। ये आ गए सबकी लाइट अभी चालू करके हम जा रहे आगे, देखो दिख तो नहीं रहा है कुछ भी। आगे अंदर घर है तो खाना, तो वो अभी शायद ही जाते हैं अंदर। चल चल ये रास्ता इधर आ गया। तो ये तोप खाना यहाँ पे किधर रास्ते में निकला है, पीछे तोप खाना था भाई, हॉन्टेड भी लग रहा था, हॉन्टेड प्लेस, फट गई थी थोड़ी फटी। ओके तो हम ये फिर से ये रास्ते के पास आ गए। आगे आगे नहीं आगे गाइस, ये शॉर्टकट रास्ता है। हाँ जिसको भी ऊपर जाना है तो ये शॉर्टकट। क्या बोलता है, वीडियो चल रहा था भाई। सॉरी वीडियो चल रहा है, कुछ भी बोलता है यार तू। तो आगे ये जा रहे हैं तो ये दिखाता हूँ मैं। अनजान है कोई, कौन है वो गाइस? नाम है तो ये है, थोड़ा सा 5 मिनट का हॉन्टेड एक्सपीरियंस था हमारे। हाँ गुफा का खोज कर लिया थे लोग भाई तो। हाँ भाई वो साइड तक गया वो। क्या ये साइड? हाँ वो आगे तक गया, तू लंबा है थोड़ा, जाना है तो जा सकते हो वैसे। ऐसा बोल दिया नहीं जाएंगे लग रहा है। ऐसा लग रहा है गांव में आ गया हूँ, खेती बाड़ी में जा रहे ठीक से। कुछ नहीं है उसके उस साइड, वो ही है एंड है वो। और ऊपर है क्या? ये गया है देख, वो एंड है। आराम से जाना, जैसे गिरा वैसे मत। तो दीपक ने बोला यहाँ पे जाने का व्यू अच्छा आ रहा है तो लेते हैं उधर फोटो। ये है व्यू भाई, अपन जितना जाएंगे ना उतना कम है, सीरियसली बोल रहा हूँ। और भी ऊपर है टॉप पे, बहुत ट्रैकिंग किया आज। भी ऐसी जगह आ गए यहाँ पे, फोटोज और वीडियोस दोनों अच्छे आएंगे। सनसेट का वहाँ पे सनसेट का है, और भी ऊपर टॉप पॉइंट है जहाँ पे दीपक जा रहा है। तो दीपक तो ऐसे ही उसका चलते रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा घर पे जाएंगे। अभी हो गया जितना आज का ब्लॉग था। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।